जी लॉ न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स के बयान पर कसा तंज। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन फूट डालो और राज करो की नीति को पार्टी ने अपना चरित्र बना लिया है और साथ ही साथ टुकड़े टुकड़े गिरोह के नेता भी बन गए हैं। राहुल गांधी के बयान को संदर्भित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को उकसाने के इरादे से संसद में भाषण दिए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान मोदी ने कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। पिछले हफ्ते राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण में उनके द्वारा की गई आलोचनाओं का विरोध मोदी ने अपने पिछले भाषण में किया था। पीएम मोदी आज करेंगे पंजाब में पहली वर्चुअल रैली का संबोधन। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पंजाब में नरेंद्र मोदी आज पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा की ऑफिशियल रिलीज के अनुसार लुधियाना के फतेहगढ़ के 18 विधानसभा क्षेत्रों में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। लखनऊ पहुंची ममता बनर्जी, सपा के लिए करेंगी चुनाव प्रचार। सोमवार को टीएमसी नेता व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची। उनकी अगवानी के लिए खुद अखिलेश यादव एयरपोर्ट पर आए। अपने दो दिन के दौरे में वे सपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगी और मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने का भी उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। टीएमसी का अमित शाह पर आरोप, मंदिर में चुनाव प्रसार करने पर जताई नाराजगी। इलेक्शन कमीशन को दायर की गई एक शिकायत के अनुसार टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार शाह ने गोवा में मंदिर की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। अमित शाह आज जारी करेंगे भाजपा का घोषणा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बता दें कि 2022 का भाजपा का यह घोषणा पत्र, जिसका शीर्षक लोक कल्याण संकल्प पत्र है, पहले ही जारी किया जाना था लेकिन महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया।